अपनी इंजीनियरिंग से ज्यादा अपने गानों से फेमस हो रहा हो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन गाने की ललक ही ऐसी थी कि मंच पर आए तो इंजीनियरिंग से ज्यादा पहचान मिलने लगी। 3 सालों में इतने मंचों पर गा चुके हैं कि यादगार ही हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं पेशे से इंजीनियर नरेंद्र सिंह तोमर की। मुरैना के छोटे से गांव में जन्मे तोमर को नगर निगम में 35 साल हो गए हैं। पिता पुलिस में थे, इसलिए इंदौर का रुख करना पड़ा। बचपन से अपनों के बीच गाने गुनगुनाया करते थे, गाने के साथ बोलने में भी माहिर थे। स्कूल के हर प्रोग्राम में उन्हें बोलने का मौका मिलता था। भीकन गांव में जब 3rd क्लास में थे, तब पहली बार बोलने के लिए मंच मिला। बांग्लादेश आजाद हुआ, तब वहां के शरणार्थियों को हिंदुस्तान में मौका दिया जाए या नहीं, इस बात पर वहां बहस चल रही थी और इसी विषय पर वो पक्ष में बोले थे। और आज एक बार फिर CAA जैसा कानून आने के बाद ऐसे ही हालात देश में बने हुए हैं। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, जो राजधानी छोड़कर 45 दिन तक कोलकाता में डटी थी। युद्ध में बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, भारत का शांति दूत रहा, तो हिंदुस्तान में शरणार्थियों को लिया गया था। इससे तब परहेज नहीं था, लेकिन अब तोमर की सोच जरा बदल गई है। उनका कहना है कि हमें दान तभी करना चाहिए जब हम खुद सक्षम हो जाएं। हमारे लोग बेरोजगार हैं और हम दूसरों को यहाँ लाकर क्यों मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तोमर शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थे, इसलिए हर बार क्लास में उन्हें मॉनिटर बनाया जाता था। बोलने में महारत थी, तो सांस्कृतिक आयोजन की जिम्मेदारी मिलती थी। नौकरी और परिवार पालने में गाने के शौक को मंच तक पहुंचाने में उन्हें बरसों लग गए। उज्जैन के कालिदास संकुल में 2017 में अमिताभ बच्चन की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, जहां पहली बार तोमर को मंच मिला। तोमर के साले को पता था कि जीजाजी गाने के शौकीन हैं, इसलिए उन्हें मंच पर चढ़वाया। पुराने दर्द भरे गीतों को गुनगुनाने की तो तोमर को आदत थी ही, और पहला गीत भी दर्द भरा ही गाया। किशोर कुमार का मजबूर फिल्म में गाया गीत आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है, ये सभी को सुनाया, जिसने तोमर के अंदर छुपे कलाकार को बाहर निकाला। गीतकार पर संगीतकार की आवाज बड़ी बारीक होती है, लेकिन तोमर की आवाज किशोर दास से मिलती जुलती थी, तो वो किशोर दास के अंदाज में ही गाने गाते हैं। दूसरा मौका तोमर को 19 सितंबर को पिछले साल ही मिला, जब इंडियन आइडल विनर शिफा अंसारी गा रही थी। यहाँ पे तोमर ने मोहम्मद रफी का गीत तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है सुनाया। तीसरी बार तोमर को उस जगह गाने का मौका मिला जहाँ इंजीनियरिंग की शुरुआती दौर में कैट में बन रही लेबोरेटरी देख रहे थे। कैट वालों ने तोमर के हुनर का सम्मान किया। यहाँ तोमर ने मोहम्मद रफी का फिल्म का गीत जब जब फूल खिले का यहाँ मैं अजनबी हूँ सुनाया। तोमर को जब से गुड्डू मिश्रा का साथ मिला है, मंच मिलते जा रहे हैं। इसी महीने की 1 तारीख को कालिदास संकुल में बिज्जू शाह के सम्मान में जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे सुनाया। तोमर जितनी तेजी से गायकी में आगे निकल रहे हैं, सिटी इंजीनियरिंग में शहर के लिए बहुत कुछ किया है। निगम कमिश्नर रहे संजय शुक्ला के साथ कैलाश विजयवर्गीय के महापौर रहते 24 घंटे में छोटे नक्शे पास करने की योजना इन्हीं की बनाई हुई थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने वालों को संपत्ति कर में 6% छूट देने का फॉर्मूला तोमर ने ही तैयार किया था। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। बिल्डिंग परमिशन में ऑनलाइन नक्शे की शुरुआत पूर्व कमिश्नर आकाश त्रिपाठी के समय इन्होंने ही की थी। शहर के 660 कुओं में से आधों के दिन इन्होंने ही फेरे हैं। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली से इनाम भी मिल चुका है। अब तोमर धीरे धीरे गायकी के मंच पर हुनर दिखाने लगे हैं। शहर के कामों पर कहते हैं कि जहां पला बढ़ा, उस शहर के लिए कुछ कर पा रहा हूं, इससे खुशी मिलती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।